हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं बहुत ही स्पेशल तरीके से एक राइस जो बहुत ही इजी है, प्लस आप इसे क्विक बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 कप राइस सोक किया है और ये नॉर्मली जिसे कच्चा चावल भी कहते हैं वो है। अब आपको फ्राई पैन में क्या करना है, ऑयल गर्म करना है। यहाँ मैंने 1 बड़ा चम्मच ऑयल लिया। यहाँ मैंने 1/4 टीस्पून जीरा लिया है। आप जीरो जैसे ही थोड़ा सा कुक हो जाएगा, इसमें खड़े मसाले जिसमें आप दालचीनी, तेजपत्ता, लौंग, इलायची डाली, आपके पास जो भी खड़े मसाला है वो यूज़ कर सकते हैं। अब थोड़ा सा कुक होने के बाद यहाँ मैंने चॉप जो है गार्लिक यूज़ किया है और हरी मिर्च वो डाल दीजिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइस कट करके रखे थे, उसको आपको डालना है और सॉटे करना है। जैसे ही प्याज का कलर थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होगा, आपको इसको ब्राउन नहीं करना है, जस्ट ट्रांसपेरेंट होना चाहिए वाइट कलर में। देखिए ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब इसमें मैंने पोटैटो ऐड किया है, आलू मैंने 1 लिया है, यहाँ डाला कुछ टमाटर। अब आपको क्या करना है, इसको अच्छे से सॉटे करते रहना है। यहाँ आलू मैंने छोटे छोटे साइज़ के लिए हैं, आप भले ही फ्राई करके भी यूज़ कर सकते हैं जब ये राइस पूरा बन जाए। देखिए आप इसमें सॉल्ट डाला मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ थोड़ी सी लाल मिर्च मैंने ऐड की, ये एडिशनल है। यहाँ थोड़ा ब्लैक पेपर, आपको ज़्यादा इसको स्पाइसी नहीं बनाना है ना कुछ अलग मसाले यूज़ करने हैं, सिर्फ सॉल्ट एंड पेपर यूज़ करें वो भी ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं ताकि जो पोटैटोज हमने ऐड किए हैं वो थोड़े गल जाए। आप इसको देखिए अच्छे से बस मिक्स कर लीजिए और इसको कवर करके रख दीजिए 5 मिनट्स के लिए। 5 मिनट्स बाद हम खोल के देखेंगे कि आलू गल गए हैं कि नहीं। देखिए खोला है मैंने काफ़ी अच्छे से, देखिए चाहे वो प्याज है, टमाटर है, हर चीज़ में इवनली गल चुकी है, सॉफ्ट हो गई है। अब डालिए राइस, राइस जो 1 कप था आपने इसको पूरा डालिए और हम राइस का डबल अमाउंट वाटर डालेंगे इसमें। पानी डालने के बाद आपको क्या करना है, इसको फिर से मिक्स करके अच्छे से ताकि जो सॉल्ट वगैरह है, एक बार सॉल्ट भी आप टेस्ट करके देखिए। अब इसको बस कवर करके रख दीजिए और 15 मिनट्स बाद बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आप इस तरीके से कुक कर सकते हैं इसको। अब खोलिए, अब धीरे धीरे हाथों से इसको आपको मिक्स करना है। देखिए कितने अच्छे राइस बने हैं और ये नॉर्मल जो कुक करते हैं राइस, इससे थोड़े से सॉफ्ट होने चाहिए। देखिए कितना बेमिसाल सा टेस्ट, बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो प्लीज़ इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कॉमेंट करके बताइए कि ये कैसा बना है। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।